खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां बीते दिनों मऊ के जी न्यूज के पत्रकार प्रकाश पांडे के साथ मऊ आरटीओ ऑफिस में तैनात आरआई ने रिपोर्टिंग के दौरान अभद्रता की, जिसको लेकर नेशनल यूथ जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे के नेतृत्व में 6 फरवरी को आजमगढ़ कमिश्नर से मुलाकात करके दिया गया। पत्रक साथ में संगठन के महामंत्री भास्कर सिंह और फ्रिंकू सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज दुबे, संगठन के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष संजय कुमार, संगठन मंत्री पंकज तिवारी, मनीष पांडे, ब्रजेश सिंह, अलीम अहमद साहिद सहित आजमगढ़ मऊ जनपद के 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकार शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे ने कहा कि अगर मऊ आरआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। आए दिन पत्रकारों के साथ अधिकारियों द्वारा खबर के दौरान अभद्रता की जाती है, जिसके चलते पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिलती रहती है, लेकिन अब पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पत्रकारों द्वारा मऊ, आजमगढ़, लखनऊ जाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। वही संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे ने कहा कि कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन मिला है कि जांच कर यदि आरोप सत्य पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सर, आज यहां पे आए, क्या मामला है, अपना परिचय देते हुए? हम राजेश दुबे, प्रदेश अध्यक्ष नेशनल यूथ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। आपको बता दें कि अभी तीन दिन पहले मऊ में जी न्यूज के पत्रकार हैं प्रकाश पांडे, वह रिपोर्टिंग के लिए गए थे आरटीओ ऑफिस मऊ में, जहां आरआई द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकारों को जो है वहां भिखाई तक बोला गया है। इसके बाद जो है उन्होंने उसको वायरल किया है, वीडियो उसका वायरल है, और संभवतः जो है जब जिलाधिकारी से मिले हैं पत्रकार मऊ, तो संभवतः जो है लखनऊ से कोई टीम आई है जांच के लिए। आज उसी सिलसिले में हम लोग आजमगढ़ और मऊ के पत्रकार जो है, लगभग आजमगढ़ के पत्रकार ज़्यादा हैं, यहाँ आकर के कमिश्नर को उसी सिलसिले में उन्होंने पत्रक दिया है कि आरआई खिलाफ कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पत्रकार संगठन जो है धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसकी जाँच की जाएगी, और अगर दोषी पाए जाते हैं, अगर वीडियो वायरल हुआ है, अगर वीडियो में दोषी पाए जाते हैं तो आरआई खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे क्या रणनीति बनेगी? अगर आगे प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो इसको लेकर के इसी कमिश्नरी सभागार में या लखनऊ जहां भी जाना होगा, हमारा संगठन जाके वहां धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।